वचन की ओर चले और बाइबल से न्यायों की किताब न्यायाधीश और उसका 15 अध्याय न्यायों की किताब न्यायाधीश उसका 15वां अध्याय और हम पढ़ के 9वें पद से लेकर 20 पद तक न्याय 15:9-20 पति परस्ती वर देने यहूदिया नाम करी मैं दोनी बाप फैलाई गया यहूदिया और महान सुधि पर तुम्हें हमारा घर से चोरी आने दिए क्यों तरह क्यों सबको हमारा जीवन हार कर लिए सेवा तेरा हार कर जाओ अपने बांबा लगे यारे यहूदिया ने पर बजाय हमारा सोए एकदम खड़ा पुनी कोमा जेने सांसुने पर तू तू जानतो नहीं कि फलस्ती हो है फलस्ती हमारा राज्य करता है राज्य करता है तो आ के मतलब इन्हें सू कर चाहिए तेरे तेरे पर तेरे को करने पर तेरे में तेरे को करो तेरे को करो मैं फलस्ती बना आत्मा को भी दिवाने तमें तने बंदो आ गया सी सांसुने तेरे को मारे अगर तमें सब खाओ के तमें भोते પોતાના હાથ લંબાવી તે લઈને તે વળે તેણે 1000 માણસને મારી નાખ્યા. परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि आप सच्चा जानोगे सच्चा तुम्हें आज़ाद करेगी. हालेलुया. आज एक बार फिर बहुत ध्यान से समझना परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर के वचन मेरे लिए है. तो जब भी हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं तब हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा है और उनके वचन भी जिंदा है. अगर उनके वचन को हम ध्यान से पढ़े बाइबल को तो बाइबल में एक तो इतिहास लिखा है और सच में देखो तो उसको इतिहास नहीं कहा जा सकता लेकिन जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार जीवन जिया तो उनको उनका क्या फल मिला और जिन लोगों ने आज्ञा के खिलाफ जीवन जिया उनको कैसा बदला मिला बस वही बात लिखने में आई है. और बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें एक परमेश्वर की आज्ञाएँ है और बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की आज्ञा मानने से कौन कौन सी आशीष आती है और नहीं मानने से कौन से श्राप लोगों के ऊपर आते वो बातें बाइबल में लिखी हुई है. और अगर उसके सिवा कुछ लिखा है तो हमारे परमेश्वर कैसे है उनका स्वभाव कैसा है ये हमारा बाइबल जो है वो हमारा बाइबल हमें प्रदर्शित करते. तो जब हम बाइबल पढ़ते तो ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है पढ़ने को मिलती है. और यूहन्ना में तो ऐसा लिखा है कि अगर परमेश्वर के सारे काम अगर लिख दिए जाते तो इस धरती पर भी पुस्तक का समावेश नहीं हो सकता इतने सारी पुस्तकें भर जाती और ये धरती जो है हमारी वो भी कम पढ़ने लगती. तो परमेश्वर ने उसमें सब कुछ निकाल कर हमारे हाथ में कुछ दे दिया है मतलब सब हटा हटा कर
जितना लिखना चाहिए बस उतना ही हमारे परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है। और इसलिए जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अब ना तो आप इसमें कुछ बढ़ाओ ना ही इसमें कुछ घटाओ, बस जितना लिखा है उतना परमेश्वर ने 100% लिखा है, ना 99 है ना 101% है, ना कुछ बड़ा है कि हम निकाल पाए, ना इसमें से कुछ कम है कि जिसके कारण हम कुछ बढ़ा सकें। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो है सिखाते हैं कि पुराने नियम को छोड़ दो, अब पुराना नियम चला गया, लेकिन पुराने नियम में जो परमेश्वर थे वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, और जो पुराने नियम का परमेश्वर है वही नए नियम का परमेश्वर है। नियम में अगर कुछ बदला है तो परमेश्वर का जो लहू था वो लहू बदल चुका है, पहले पशुओं का लहू था और अब प्रभु यीशु का लहू है। लेकिन पुराने नियम में अगर ऐसा लिखा था कि मेरे से तेरा और कोई परमेश्वर नहीं, तो नए नियम में ऐसा नहीं लिखा कि मेरे से तेरा और भी परमेश्वर हो, या तो पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि मूर्ति पूजा ना करो, तो अब ऐसा नहीं लिखा कि आप मूर्ति पूजा कर सकते हो। पुराने नियम में लिखा था कि माता पिता का सम्मान करो, तो ऐसा नहीं लिखा कि माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो चलेगा। तो पुराने नियम की जो आज्ञाएं है जो परमेश्वर ने हमें दी थी वो सारी आज्ञाएं आज भी हमारे लिए है, और परमेश्वर की जो कृपा जो यूहन्ना में लिखा है कि हाँ जो व्यवस्था है वो तो मूसा के जरिए आई, लेकिन कृपा और सच्चाई और प्रभु यीशु की ओर से आई। तो क्या मूसा के समय में कृपा नहीं थी मूसा के ऊपर? क्या मूसा के जरिए कृपा नहीं आई? क्या मूसा के जरिए सच्चाई नहीं आई? ऐसा नहीं, उस वक्त भी कृपा थी, उस वक्त भी सच्चाई थी, जो व्यवस्था थी उसमें सच्चाई थी। लेकिन प्रभु यीशु जो कहना चाहते कि प्रभु यीशु की ओर से कौन सी कृपा आई, तो यूहन्ना 14:26 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब वो तुम्हें सिखाएंगे और मैंने जो जो कहा है वो सभी कुछ तुम्हें याद दिलाएंगे। तो पवित्र आत्मा जो है आज हमें सिखाते, पवित्र आत्मा हमें हर पल, हम कहीं भी बाहर जाते हमारे साथ अगर बाइबल है या नहीं है, हमारे साथ कोई परमेश्वर का दास है या नहीं है। लेकिन उस वक्त पुराने नियम में ऐसा था कि हर बार याजक के पास जाना पड़ता था, भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब परमेश्वर की कृपा वो आई है जो हमें हर पल हर कदम पर हमें सिखा रहे अब क्या करना है, अब कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हम कहाँ परमेश्वर के दास को ढूंढने के लिए जाए। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया ताकि पवित्र आत्मा हमें उस वक्त क्या करना है वो पवित्र आत्मा हमें सिखाते। ये है परमेश्वर की कृपा। तो तीतुस में भी लिखा है, उसका दूसरा अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, 11:12-13 अगर पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की जो कृपा प्रकट हुई है उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इस संसार में किस तरह से जीवन जीना है। तो कृपा मतलब पवित्र आत्मा जो हमें हर पल हर रोज हर कदम पर हमें सिखाते रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें वही सिखाते परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर की आज्ञा मानक, और इसलिए सबसे बड़ी जो बात है बाइबल में वो आज्ञाकारी ही है, आज्ञा की पालना वही सबसे बड़ी बात है। एक इंसान ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु से मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ मैं क्या करूँ, तो प्रभु से उसको क्या कहा, आज्ञा की पालना कर। बोलते हैं कौन कौन सी, तो प्रभु सुने वही बात की, चोरी ना कर, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर। बोला ये तो मैं बचपन से करता आया हूँ और भी क्या कमी है, और प्रभु उसने आखिरी आज्ञा उसको बता दी कि लालच लो उसको भी छोड़ दे, वो भी नहीं होनी चाहिए, बस स्वर्ग जाना है तो आज्ञाकारी कर, ऐसा परमेश्वर उसको बताया। एक और आया उसने भी परमेश्वर से यही पूछा कि प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ क्या करूँ, तो प्रभु ने बोला तू तो खुद पंडित है तू ही बता तूने बाइबल में क्या पढ़ा है। और उसने कहा कि मैंने ये पढ़ा है कि अपने पूरे बल से पूरे सामर्थ्य से पूरे आत्मा से तो परमेश्वर को प्रेम कर और जैसा खुद के ऊपर प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से भी कर। तो प्रभु से उसको क्या बोला तू भी ऐसा कर, मतलब वो आज्ञाकारी तू भी कर, मतलब आज्ञाकारी ही सब कुछ है, आज्ञा की पालना वही हमारे लिए सब कुछ है। और पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद
લેકિન કેમથી આપણે તેમની આજ્ઞાઓ પાડીએ એ જ દેવ પરોપકારી છે અને તેની આજ્ઞાઓ માને નથી. યહાં પર સ્પષ્ટ લખાય કે હમ પરમેશ્વર કી આજ્ઞાકારી કરે ઉસમે હી પ્રેમ હૈ. પ્રભુ સર ભી કહા જિસ તરહ સે મેં મેરે પિતા કે ઉપર ઉનકી આજ્ઞાકારી કરતા હું ઉનકે ઉપર પ્રેમ રખતા હું વૈસે તુમ ભી મેરી આજ્ઞાકારી કરતે હો તો પ્રેમ મેરે પ્રેમ મેં બને રહો. તો પ્રેમ કા મતલબ હી આજ્ઞાકારી બેટા ઉસકી મમ્મી સે પાપા સે બોલા કરે મમ્મી આઈ લવ યુ પાપા આઈ લવ યુ ઓર બોલતે જાતા સુપે કા દૂધ લે કરે મેને જાને વાલે તે કોન સા પ્રેમ. તો પ્રેમ જો હૈ વો આજ્ઞાકારી કરતા હૈ. તો યહાં પર ભી લિખા હૈ કે આજ્ઞાકારી વહી પ્રેમ હૈ. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है भारी नहीं है मैं बोझ नहीं है हमारे ऊपर. इतनी सारी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि जो हमारे जीवन में बोझ बन जाए. जो तो नए नियम में लिखा है इधर पुराने नियम में भी लिखा है व्यवस्था में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण पुनर्नियम उसका 30वां अध्याय और उसका 11वां पद परमेश्वर क्या बोलते कि मैंने जो आज्ञा दी है वो आज्ञाकारी इतनी भारी नहीं है हम कर सकते आज्ञाकारी. हालेलुया. तो परमेश्वर हमें कोई ज्यादा आज्ञा नहीं दी कि हम उसकी पालना ना कर सके हम कर सकते हैं. फिर पौलुस भी कहते हैं हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी उसका 7वां अध्याय और उसका 19वां पद. सुन्नत तो कहीं ना थी और वे सुन्नत पर कहीं ना थी पर देवनी आज्ञा का पालन तेज बद छे. हालेलुया. देखो पौलुस भी कहते हैं ना तो खतना कुछ है ना तो खतना रहित रहना कुछ है लेकिन परमेश्वर की आज्ञा की पालना करना वो ही सब कुछ है. ना खतना कुछ है ना खतना रहित रहना कुछ है लेकिन परमेश्वर की आज्ञा कार्य करना वो ही सब कुछ है. मतलब हमें क्या करना है परमेश्वर की आज्ञा कार्य वो ही सब कुछ है. जब इज़राइल के लोग मिस्र देश के अंदर 400 साल तक गुलाम बने रहे और 400 साल के बाद वो लोग बाहर निकले. अभी 400 साल तक चार पीढ़ी तक वो लोग गुलाम बने रहे थे. 400 साल तक उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की थी क्योंकि प्रजा थी ही नहीं. अगर थी तो गुलामी में थी. अभी उनको कौन सा युद्ध करने के लिए जाना था बस उनको तो बस सहन ही करना था. उनको कोई शस्त्र वस्त्र कुछ भी उनको आता नहीं था चलाने के लिए. और ये सभी लोग रास्ते में निकल गए और जितने भी ये इज़राइल के लोग थे उन्होंने कभी कोई शस्त्र जो दुश्मन के खिलाफ चलाना चाहिए ऐसा कभी शस्त्र चलाना सीखा नहीं था क्योंकि तो मिस्र देश के अंदर वो लोग गुलाम बने हुए थे. लेकिन जब रास्ते में उनके सामने अमालेक आकर खड़ा हो गया तो अमालेक के साथ युद्ध हुआ. अब होते हैं समझना कि आज के वचन से हमारे परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं. और रास्ते में अमालेक आ गए और इज़राइल ने अमालेक के साथ युद्ध किया खुलकर युद्ध किया और उस युद्ध में इज़राइल के लोग जीत गए. कितनी बड़ी बात जिन्होंने आज तक युद्ध नहीं लड़ा उनको ये नहीं मालूम कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है तलवार कैसे चलाई जाती है मालूम नहीं उनको भाला कैसे चलाया जाता है नहीं मालूम उनको कोई शस्त्र चलाना नहीं आता बस ऐसे ही निकल पड़े. वो तो गुलामी से आज़ाद हुए 400 साल तक गुलाम बने रहे. ये चौथी पीढ़ी थी कौन किसको सिखाता हथियार चलाना. लेकिन रास्ते में अमालेकियों के साथ जब उनका युद्ध हुआ तब ऐसा हुआ कि इज़राइल जो थे वो युद्ध में जीत गए. अभी सवाल है कि इज़राइल के लोग जब उनको लड़ना नहीं आता वो लोग युद्ध में जीते कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा कि वो लोग जीत गए. और वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक इसका 17वां अध्याय पुस्तक इसका 17वां अध्याय उसका 11वां पद. અને મૂસા પોતાનો હાથ ઊંચો કરતો ત્યારે ઇઝરાયલ જીત પામતો અને તે પોતાનો હાથ નીચો કરતો ત્યારે અમારે જીત પામતો. ક્યાં લખ્યું જબ મૂસા અપને હાથ એસે ઉઠા લેતે થે વો પહાડ પર બેઠે થે ઓર નીચે લડાઈ ચલ રહી થી. મૂસા અપને હાથ ઉઠાતે થે
होने चाहिए, इसराइल जीतने लग जाते थे। अब ये कैसा हो सकता है ऐसा? मूसा के हाथ उठाने से इनका क्या लेना देना है? क्योंकि नीचे लोग युद्ध लड़ रहे, तलवार चला रहे, और अगर मूसा के हाथ नीचे आ जाते थे तो अमालेक जीतने लग जाता था। ये बारी बारी ऐसे कैसे हो जाता था? और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, फिर से पढ़ो तो ऊपर, अरे मूसा पुत्र हाथ नीचे कर दो यानी इसराइल जीत पा दो, अरे ते पुत्र हाथ नीचे कर दो यानी अमालेक जीत पा दो। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि जब मूसा अपने हाथों को उठाते थे तब इसराइल जीतने लगता था, और जब उसका हाथ नीचे आ जाता था अमालेक लोग जीतने लगते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है, बैंक में चला जाता है गन लेकर और बोलता है ए जब सभी लोग मेरे सरेंडर हो जाओ, तो क्या बोलता है? अपना हाथ उठाओ, सबको ऐसा ही बोलता है हाथ उठाओ, और सब लोग हाथ उठा लेते हैं। इसका मतलब ये भी हाथ नहीं चलाएगा, अगर हरकत करेगा वो गोली मार देगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना ये दर्शाता है सरेंडर हो जाना, किसी की अधीनता में आ जाना। और मूसा जब परमेश्वर की अधीनता में, बस परमेश्वर मैं पूछ रही आप करो, तो परमेश्वर सहायता करते थे और नीचे इसराइल जीतते थे। अगर मूसा का हाथ नीचे, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ भी, मैं हाथ चलाओ, तो परमेश्वर बोलते तू चला ले भी, और तब वो लोग हारते थे। जब मूसा हाथ उठाते थे तब इसराइल जीतते थे। मतलब जब हम परमेश्वर के सरेंडर हो जाते, हम परमेश्वर के अधीनता में चले जाते, उनके आज्ञाकारी में चले जाते, और हम बोलते परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर हमें विजय दिलाते। और अगर हम बोलते नहीं परमेश्वर आप बैठो और मैं देखो कुछ कर बताता हूँ, तो परमेश्वर भी बोलते कोई बात नहीं अब तू कर बता दे। तो जब मूसा का हाथ ऊंचा होता था तब इसराइल लोग जीतते थे, और जब मूसा का हाथ नीचे हो जाता था तो इसराइल लोग जो थे वो हारने लग जाते थे। परमेश्वर यही बोलते कि मेरे अधीन में हो जाओ, तो परमेश्वर हमें सफलता देते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहते, हम सोचते कि मैं कुछ करूं, तो इंसान को जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता उनको मिलती नहीं। न्याय की किताब में भी लिखा है उसके छठवें अध्याय में, वहाँ पर यहोशू है, और यहोशू इसराइल की सेना को लेकर वो आगे बढ़ रहे, और वहाँ पर यरीहो का कोट था, और तब भी परमेश्वर के कहने से जब यहोशू ने हर रोज एक बार प्रदक्षिणा की और सात बार की, तब ऐसा हुआ कि जो यरीहो का कोट था वो पूरी तरह से टूट गया। लेकिन यहोशू ने पहले से बोल दिया परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, कोट इतना बड़ा था कि यहोशू तोड़ नहीं सकते थे, और परमेश्वर के अधीनता में हो गए। और यहाँ एक किताब में लिखा है वहाँ पर एक गिदोन नाम के एक इंसान की वहाँ पर बात की है, और उस वक्त इसराइल मैदान के लिए काफ़ी मुश्किल में आ गए थे। और हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसका छठवां अध्याय, उसका दो पद से लेकर छठे पद तक पहुँचे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसराइल की हालत इतनी बिगड़ गई, पूरी तरह से कंगाल हो गए, पूरी तरह से कंगाल, और विद्यान के लोग उनको बहुत परेशान करते थे। जब ये लोग खेत में कुछ बीज बोते थे तब कुछ नहीं करते थे, जैसे कटाई का समय आता था और जैसे ये लोग काटते थे वैसे विद्यान के लोग आ जाते थे। और बाइबल में लिखा है तीड़ के समान
मतलब हजारों लाखों की मात्रा में वो लोग आ जाते थे और सब कुछ लूट कर चले जाते थे। और उनकी वजह से इज़राइल के लोग जो है वो पूरी तरह से कंगाल हो गए, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ होता था ये मिद्यान के लोग लूट लूट कर चले गए। मिद्यान से समझना इसका मतलब ये है कि इज़राइल मिद्यान को कुछ नहीं कर पा रहे, इज़राइल में इतनी शक्ति नहीं रही मिद्यानियों को मार सके, उसमें इतनी ताकत नहीं, अंदर से हिम्मत नहीं कि वो डट कर मुकाबला कर सके और उनको ये सब काम करने से रोक ले। लेकिन ये सारे डरे हुए इज़राइल के लोग, सभी लोग डर रहे, किसी के अंदर शक्ति नहीं, किसी के अंदर ताकत नहीं कि चलो मिद्यानी को मारते। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो लोगों को बोले चलो हम इकट्ठा होते, हम इकट्ठा होकर कुछ करते हैं, हम सामना करते, ये करते, कोई भी इंसान ऐसा नहीं। इसका मतलब पूरा इज़राइल डरा हुआ है मिद्यान से, सभी लोग कंगाल अवस्था में आ चुके और ऐसी परिस्थिति में वो लोग हैं और बहुत हैरान परेशान है। और तभी वहां पर क्या हुआ हम पढ़ते हैं उसका 11 और 12 पद। यहाँ पर लिखा है कि मिद्यानों की निगाहें ना पड़े, इसलिए गिदोन का करता था छुप कर गेहूं को जहाँ पर अंगूर का रस निकाला जाता है उसमें टंकी में छुप कर वो गेहूं निकाल रहा था। मतलब गिदोन भी डर रहा है, वो कोई सुरमा नहीं है, कोई सुरवीर नहीं है, वो भी तो मिद्यानियों से डर कर छुप कर वहाँ पर काम कर रहा है। और तभी उसके सामने एक सरूत आ गए और सब ने क्या कहा पढ़ो तो। अने यहोवा ने दूते तेरे दर्शन देने को यू पराक्रमी सूरवीर यहोवा तारी साथे छे। दूते ने ऐसा कहा, संत ने कहा पराक्रमी सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। वो गिद्योन को नहीं बोले कि तू पराक्रमी तू सूरवीर तेरे साथ यहोवा, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन वो सर्व के साथ बोल रहे पराक्रमी सूरवीर, मतलब जो यहोवा है जो खुद पराक्रमी जो खुद सूरवीर वो तेरे साथ है। वो कौन सा सुरमा था? वो तो छुप कर गेहूँ निकाल रहा था। अगर ताकत होती तो बाहर नहीं निकलता, ताकत होती तो बाहर नहीं करता। गिदोन भी जो है वो भी तो डरा हुआ है, लेकिन सर्व उसको बोल रहा है कि पराक्रमी सूरवीर यहोवा, ऐसा यहोवा जो पराक्रम से भरा हो भरे हुए जो सूरवीर है जो योद्धा है, ऐसे यहोवा तेरे साथ है, ऐसा सर्व उसने इस गिदोन से कहा। अब गिदोन भी जो है वो भी तो कोई सुरमा नहीं है, वो भी तो डर रहा है और डर के बारे में वो तो यहाँ पर छुपा हुआ है। और परमेश्वर ने उसके साथ बात की और गिदोन से कहा गिदोन तू लड़ने के लिए निकल, मैं तेरे साथ रहूँगा और मिद्यानी को तू जैसे एक इंसान को मारता है वैसे तू पूरे मिद्यान को मारकर भगा देगा। अभी गिदोन खुश तो हो गया, चलो मेरा इस्तेमाल होगा, हम लोग आज़ाद भी हो जाएंगे, हम जो कंगाल हो चुके हैं वापस हम पैसे वाले भी हो जाएंगे, ये सब कुछ गिदोन सोच रहा है। लेकिन साथ में डर भी तो है, मैं निकलूँ कैसे क्योंकि डर के मारे अभी तक तो गेहूँ वो जहाँ अंगूर का रस निकाल रहे उस टंकी में छुप कर निकाल रहा है, उसके अंदर ताकत नहीं है। परमेश्वर लोग बोले तू अकेला मार सकता है उनको, मैं तेरे साथ रहूँगा तू निकल, लेकिन उसको भी डर लग रहा है। और सामने जो दिख रहा है स्वर्गदूत जो परमेश्वर की बात करे, क्या ये स्वर्गदूत तो है कि कोई और है, क्या ये परमेश्वर ही है या कोई और है? तो बोलते मैं तो आपको परखूँगा पहले, क्यों तलवार लेकर बाहर निकल गया और बाद में पता चला उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं और सामने वाले लड़ने के लिए आया, पर कहीं उल्टा होकर भागना पड़ा तो सभी के सामने इज्जत जाएगी। तो ये भी डर के मारे बोलता है नहीं मैं पहले परखूँगा परमेश्वर की आपने ही कहा। तो बोले मैं जो काम करता हूँ मैं जो कुंभ होता है उसको मैं बाहर रखता हूँ और जो उस पड़ेगी तो उसमें ऐसा करना कि जो कौन है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आनी चाहिए, बाकी सारी जमीन गीली हो जाएगी। उसे सुबोध कर देखा तो ऐसा ही था, तो देखा है तो ऐसा ही, मतलब परमेश्वर ही कहना चाहते और परमेश्वर कह रहे हैं तो फिर मुझे तो विजय मिलने ही वाला है। फिर एक बार डर लग रहा है नहीं हम तो कंगाल हो चुके, मिद्यान लोगों तो लाखों में आते हजारों में आते हमको लूट कर चले जाते और कहीं मैं तलवार लेकर निकल गया और कुछ और ही हो गया तो उसको डर लग रहा है। परमेश्वर एक बार
परेशानों क्या है, डरते डरते परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर बोलते बोल थोड़ा एक काम करो, अभी उन तो एक ही जगह पर था, थोड़ी जगह पर तो हो सकता है उसके ऊपर उस ना भी गिरी हो, लेकिन अब ऐसा काम करो कि सिर्फ उसके ऊपर ही उसकी हो और बाकी की जमीन कुछ भी नहीं, वो गिली ना होने पाए। बोल ये अब चमत्कार हो तो मैं मान लूँगा। चलो दूसरे दिन ऐसा भी हो गया। ये दो बार परीक्षा क्यों लेता है? क्योंकि डर है उसको अंदर से, कहीं मैं निकल गया तो, और निकल गया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा तो मैं तलवार लेकर निकलूँ, लेकिन मुझे भागना पड़ा तो। एक ऐसा इंसान था, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था अपनी पत्नी के सामने, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर से पूरा कमजोर था। लेकिन अपनी बीवी को पूरी तरह से उसने जोर लगाकर उसने अपने वश में रखा था कि उसको पता ना चलना चाहिए कि मैं कैसा, अंदर से पूरी तरह से कमजोर, लेकिन बीवी को डरा धमका कर मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोलते। एक बार ऐसे ही बैठा रहा था और सामने वालों ने कुछ रखा होगा, उसमें काफ़ी मक्खी आकर बैठ गई और उसने एक ऐसे झापड़ लगा दी और 7 मक्खी मर गई। उसे जाकर पत्नी ने मालूम है एक ही झापड़ में 7 को खत्म कर दिया, लेकिन बोल नहीं रहे मक्खी को खत्म कर दे। उसकी पत्नी भी देख रही, मेरा पति कितना सुनवाई, एक ही झापड़ लगाई और 7 लोगों को खत्म कर दे। उसको तो ऐसा बड़े बड़े कोई इंसान होंगे उनको खत्म कर दे। ये ऐसी बातें करते अपने अपनी पत्नी को ऐसा दिखा करता है कि मैं बहुत बड़ा सुनवा हूँ। उसकी पत्नी भी बाहर लोगों से बातें करते रहती, मेरा पति मालूम है कितना बड़ा है, एक झापड़ लगाता है 7 लोगों को ख़त्म कर देता है। अब एक बार क्या हुआ, वहाँ पर कुछ डाकू लोग आ गए, डाकू लोग आ गए और बात में बहते बहते पूरे राज्य में फैल गई। डाकू लोग आए और कहीं ना कहीं जो लोग किसी न किसी को मार कर लूट कर चले जाते और चारों डर सा माहौल पैदा हो गया। और तभी पता चला कि इस सुरमे के बारे में, क्योंकि ये तो पत्नी तो बताते रहते थे, मेरे पति तो एक झापड़ में 7 लोगों को खत्म कर देता है। राजा को पता चला, राजा बोलते हैं इसको लेकर आओ, ए जा तू डाकू को मार कर आए, तो सुरमा है। अब ये क्या बोले, तो अंदर से पूरा डरा हुआ था, ये तो डर कर रहता था। और उसने घर पर आकर अपनी पत्नी को बोला, एक काम कर, बोले मेरे लिए 3 लड्डू बना दे, मैं डाकू को मारने के लिए जा रहा हूँ। उसको ऐसा बस ये लड्डू रास्ते में खाने में काम आ गए, बस ये गांव छोड़कर ही भाग जाता हूँ, बस मैं कौन सा पकड़ने वाला। और वो तो वहाँ से 3 लड्डू लेकर वो तो भाग गया। अभी क्या हुआ, वो जंगल में गया, उसको रास्ते में भूख लगी और पेड़ के नीचे वो खाने के लिए बैठ गया और वहीं पेड़ के ऊपर ये 3 डाकू भी छुप कर बैठे थे। अभी ये मन में मतलब बाहर आवाज़ कर कर वो बड़बड़ा के, एक खाओ या 2 खाओ या 3 को खा जाओ। डाकू डर गए, बोले कैसा इंसान, हाथ में तो कुछ है नहीं, उसको पता चल गया हम 3 ऊपर है, बोले तुम 3 को खाने की बात कर रहे। डाकू भी डर गए, बोले कोई लगता है सुरमा, बोले है क्या, फिर से बोलता है एक खाओ 2 खाओ या 3 को खा जाओ। बोले वो 3 ऊपर से नीचे उतर उसके पैरों में पड़ गए, भाई साहब हमको मत खाना, तू राजा के पास हमको ले जा, वो जो सजा करे वो ठीक है, लेकिन तू हमको मत खा जाना। बोलता है ठीक है चलो, लेकर गया राजा के पास। राजा बोलते सही है, तो वो सुनवा तो वापस अपने घर में रहने लगा और उसकी पत्नी तो चारों ओर आवाजें करने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि दुश्मन की सेना आ गई और दुश्मन की सेना आ गई तो राजा ने इसको बोला तू जा लड़ने के लिए। अब ये तो अंदर से तो पूरी तरह से कमजोर था, बस ऐसे ही हवा इसने फैला कर रखी थी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अभी ऐसा हुआ कि वो घोड़े के ऊपर बैठ गया और उसने अपनी पत्नी को बोला तू भी मेरे साथ बैठ जा। बोले क्यों, बोले हम दोनों भाग चलते। बोले क्यों, अरे बोले सही में ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई सुरमा वुरमा नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं तो पूरा कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो 7 लोगों को मारा था वो, अरे बोले वो तो मक्खी थी। बोले 3 डाकू को पकड़ कर वो तो ऐसे ऐसे ही आ गए, मैंने ऐसा बोला था, एक काम कर घर बसा रहा है चलो मेरे साथ, तू भी भाग जा, हम लोग छोड़ कर चले जाते। अभी बोलती है औरत बोलती नहीं, मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं ऐसे नहीं जा रही। उसने क्या किया, घोड़े के साथ उसके पैर ही बांध दिए, उसके पैर बांध दिए और घोड़े को पीछे से मारा, घोड़ा भागने लगा, घोड़ा भागने लगा सामने दुश्मन की सेना और ये सोच रहा है कि कैसे उतरूंगी, उसके पैर को बांधे हुए घोड़ा भी रुक नहीं रहा, घोड़ा भी भाग रहा है। तो रास्ते में एक पेड़ था, उसने उसकी डाली पकड़ ली
डाली पकड़े तो वो भी कमजोर थी या तो टूटने वाली थी, वो भी उसके हाथ में मारी। दुश्मन सेना देख रही बोले कि इंसान लड़ने के लिए आ रहे हैं, और वो भी हाथ में ऐसे चलते हुए एक डाली को तोड़ ले, बोले लगता है कोई सुरमा, कोई बात नहीं आने दो। तो जब आए तब देखा इसके तो पैर बांध दिए, उसको पकड़ लिया, और तब उनको पता चला ये तो कोई सुरमा नहीं, एक कमजोर है अंदर से। इसराइल के लोग पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। गिदोन भी कोई सुरमा नहीं था, वो भी तो छुप कर काम कर रहा था। सभी लोग कमजोर हो गए थे, और बाहर कोई बात नहीं, और परमेश्वर बोलते हैं कि गिदोन मैं छुड़ाना चाहता हूँ धीरे धीरे। और गिदोन अंदर से तो पूरी तरह से कमजोर है, वो बाहर निकल कर जाए तो कैसे जाए, कैसे लड़ने के लिए जाए। दो बार उसने परीक्षा ली, उसने इसलिए परीक्षा नहीं ली कि परमेश्वर ही है कि नहीं, लेकिन वो इसलिए परीक्षा ले रहा है कहीं मेरा कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, मैं तलवार लेकर निकल पड़ूँ और मिद्यान के लोग मुझे ही मार दे, या तो मुझे ही ख़त्म कर दें और मुझे भागना पड़े, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन दो बार परीक्षा करने के बाद उसे पता चला कि परमेश्वर ही, और परमेश्वर वाला डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। और गिदोन को कुछ विश्वास आए, परमेश्वर बोला गिदोन सभी को इकट्ठा कर, कितने लोग लड़ाई के लिए इकट्ठा होते, और गिदोन ने चार ओर खबर पहुँचाई कि देखो हमें मिद्यान लोगों को मारना है, हमें इस परिस्थिति में नहीं रहना है, हमें लड़ना है, हमें जीतना है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, चलो हम चलते लड़ने के लिए। बोले कितने लोग लड़ने के लिए आ रहे, और देखा तो 32,000 लोग आ गए, एक के बाद करके 32,000 लोग जमा हो गए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन 32,000 लोग कुछ ज़्यादा है, इनके जरिए मैं नहीं जीत दिलाऊंगा। बोले क्यों, इतने ज़्यादा लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो बातें करेंगे कि हम लोग ज़्यादा थे ना इसलिए हम लोग जीत गए, इसमें परमेश्वर वाले कोई बात नहीं। बोले ऐसा नहीं, बोल दे जितने लोग डरते हो वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। और गिदोन ने ऐसा कहा, जितने लोग डरते हो वो सभी लोग ये लड़ाई का मैदान छोड़कर वो यहाँ से चले जाए। तो ऐसा वो 22,000 लोग चले गए, अभी देखो लड़ने के लिए आए थे। इन्हें एगो गीता 7वें अध्याय में सारी बातें लिखी हुई उसके 1-8 पद में। तो 22,000 लोग चले गए, अभी 10,000 बचे, अभी लड़ने के लिए निकले थे, तलवार लेकर निकले थे, लेकिन सभी अंदर डरे हुए थे। बाहर से दिखाओ ऐसा कर हम लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे, लेकिन जब उनको बोला गया कि जितने भी लोग डरते हो वो वहाँ से चले जाए, तो 22,000 लोग चले गए, अब सिर्फ 10,000 लोग बच गए। प्रभु यीशु बोलते हैं कि कितनों अभी भी ज़्यादा है लोग, मैं इनके जरिए मैं लोगों को बचाना नहीं चाहता, अभी तो एक काम कर, इनको तू लेकर जा पानी के पास और देख कौन किस तरह से पानी पीता है। एक वो लोग जो कुत्ते के समान पानी पीते हैं, और एक वो लोग जो हाथ पैर को नीचे कर कर मुंह लगा कर डायरेक्ट पानी पीते, वो दोनों को तुम अलग कर। और जो कुत्ते के समान पानी पी रहे थे वैसे 300 लोग थे, और परमेश्वर ने कहा जो 300 लोग हैं उसके जरिए मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। 9,700 दूसरे ऐसे निकले जो लड़ाई करने के लिए तो निकले थे लेकिन बेपरवाह थे। जब लड़ाई के मैदान में निकले और शस्त्र को छोड़कर डायरेक्ट पानी पीने के लिए जाए कैसा, अगर लड़ाई करने के लिए निकले और पानी भी पीना है तो भी शस्त्र को हाथ में से छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कहीं से कुछ भी हो सकता है। एक फौजी साहब थे और मेरी उनसे बात हुई, चलो तो उस वक्त मसीह में नहीं थे लेकिन उन्होंने गवाही बताई कि जब मैं मसीह में नहीं था तब भी परमेश्वर मेरी बहुत सहायता की। बोले एक बार मैं बॉर्डर पर था और मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए गया, बोले पानी का एक झरना था और मैंने ऐसे हाथ किए और मैंने पानी भरा, और तभी मुझे पानी के अंदर दिखाई दिया कि पीछे से मुझे कोई गोली मार रहा है। बोले मैं तुरंत ही बैठ गया और गोली वहीं पर लगी, बोले और फिर मैं ऐसे वैसे ऐसे करके भाग कर मैं छुप गया। बोले उस वक्त परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैं नहीं मान रहा था फिर भी, मतलब लड़ाई चल रही है नहीं चल रही है ये बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़ने के लिए निकले और बेपरवाह इंसान शस्त्र को एक और छोड़ दिया और पानी पीने लग गए। तो परमेश्वर बोलते हैं बेपरवाह जो लोग हैं उन सभी को यहाँ से हटा दो, ये बेपरवाह वाले को यहाँ से हटा दो, और जितने लोग जो बाकी बचे वो 300 लोग
सिर्फ उन 300 लोगों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और गिदोन जो है वो 300 लोगों को लेकर लड़ाई करने के लिए निकले। अभी लड़ाई करने के लिए निकले और बेपरवाह हो लड़ाई करने के लिए निकले और अंदर से डर लगता हो, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। एक बार जंगल का राजा शेर, उसको भूख लगी, जंगल में उसको कुछ मिला नहीं तो गांव में चला गया, और गांव में चला गया बोले चलो गांव में जाकर कुछ मिल जाएगा। तो रात होने को आई थी और ऐसा हुआ कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बात कर रही, छोटा बच्चा मतलब होगा कुछ 9-10 साल का, वो रो रहा था, कुछ जिद कर रहा था, पर माँ उसको डरा रही है, देखा भी तेरे पापा आ जाएंगे तुझे मारेंगे, वो फिर भी रोए जा रहा है, उसको कोई डर नहीं है। वो बोलता है देख जब भी जंगल से शेर आ जाएगा, अभी शेर भी बाहर खड़ा है, वो फिर भी रोए जा रहा है, उसको उसके ऊपर डर नहीं है। औरत अचानक से बोलती देख रोना बंद करो वरना भुटकू आ जाएगा। वो लड़का अचानक से चुप। अभी वहाँ पर एक चोर आता था, वो कब आता था, कब चला जाता, किसको मारकर चला जाता पता ही नहीं था, किसी ने उसको देखा ही नहीं था, तो लोगों ने उसका ऐसे ही नाम रख लिया घुटकू। और बात इतनी फेमस हो गई कि घुटकू नाम से लोगों को डर लगने लगा। ये जो लड़का था वो भी डर के मारे चुप हो गए। अभी शेर खुद डर गया, वो आया था शिकार करने लेकिन वो खुद डर गया घुटकू को। इस बच्चे को शेर का मुंडा भी डरने लग रहा है और घुटकू का डर लग रहा है, घुट जाए। और ऐसा हुआ शेर बोलता है घुटकू जो भी है लेकिन आ जाए उससे पहले मुझे भागने नहीं आ सकता, वो भागा। और सही में ऐसा उसके सामने घुटकू आ गया जो चोरों का, अभी उसने सर से लेकर पाँव तक ऐसे अपने आप को बांध कर रखा, सिर्फ आंखें खुली। अभी शेर को भी अजीब प्राणी लगा, बोले ये कौन सा प्राणी, उसको लगा सच में घुटकू होगा। अभी सामने वो भी चोर है लेकिन उसने सामने से चोर शेर को देखा, वो भी डर गया। अभी शेर भी डर रहा है उसको देखकर और वो भी डर रहा है शेर को देखकर, और वो पलट कर भागा, शेर भी भागा, वो भी जंगल की ओर भाग रहा है, शेर को भी जंगल की ओर भागना है। और उसको लगा ऐसा कि शेर मेरे पीछे भाग रहा है, हकीकत में तो शेर ये सोच रहा है कहीं मेरा आगे जाकर मालूम नहीं मुझे कैसे किस तरह से पकड़ने वाला है, वो भी पीछे पीछे भाग रहा है कि मैं भी इधर से भाग जाओ जंगल में घुस जाओ। दोनों एक दूसरे के डर के मारे भागे जा रहे। और जब शेर आगे निकल गया तब इसको शांत है, चलो अच्छा है शेर चला गया, अभी शेर को मालूम इसका क्या हुआ। अभी गिदोन के साथ लोग लड़ने के लिए तो निकल पड़े थे लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से कहा बोल जितने लोग डरते वो चले जाए। कैसे डरने वाले लोग भी थे जो 22,000 लोग थे लड़ने के लिए निकले थे लेकिन फिर भी वो डर रहे थे। कुछ लोग थे 9,700 लोग वो लापरवाह लोग थे। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं किसी को लेकर प्रार्थना के लिए गया था, अब मेरे साथ प्रार्थना के लिए आ रहे और साथ में बाइबल ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उनको थोड़ा सा डांटा, ऐसा नहीं हो सकता जब मेरे साथ निकलो बाइबल ये करने के, जब लड़ाई करने के लिए निकले प्रार्थना के लिए निकले और हाथ में बाइबल नहीं, ये कैसी लापरवाही, ऐसे नहीं हो सकता। बाइबल जो है वो जब प्रार्थना के लिए जाते हैं तब हमेशा उसको साथ में रखना चाहिए। तो गिदोन के साथ सब लोग निकल तो गए लेकिन उसमें 300 को छोड़कर बाकी जो लोग थे वो ऐसे ही थे। एक परमेश्वर का दास एक बार मेरे घर पर आ गए और उसने बताया अपनी पहचान दी कि मैं परमेश्वर का दास, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। तो मैंने उसके साथ बात की कि आप परमेश्वर के दास, बोले हाँ। तो बोले मैंने बोला आपके हाथ में कुछ है नहीं, बोले क्या होना चाहिए, मैं बाइबल होना चाहिए, आपके पास बाइबल तो है ना, प्रार्थना के लिए निकले तो कैसे निकले, किसी को वचन सुनाओगे कैसे वचन सुनाओगे, बाइबल तो आपके पास है नहीं। जब दूसरी बार आए वो नया नियम लेकर आए और वो भी पूरी तरह से राउंड कर कर बस दिखाने के लिए, हाँ मैं इसको लेकर आया। लेकिन उनका जो मकसद था बस इतना था, उसको मालूम है कि मसीह लोगों के 10-12 घर घूम लो, एक घर से अगर 50 रुपये भी मिल जाएंगे तो 10 घर से 500 रुपये हो जाएंगे, वापस अपने घर पर चले जाओ। लड़ाई करने के लिए निकले लेकिन लड़ाई आती नहीं है और हाथ में कुछ नहीं। जब भी बाइबल स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि नोट और पेन लेकर आओ, बाइबल स्टडी में बैठना है और हाथ में नोट नहीं पेन नहीं, फिर क्या बाइबल स्टडी करोगे, उससे कौन सी बाइबल स्टडी होने वाली है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर बाइबल स्टडी हो जाए तो इंसान को कितना याद रहेगा, अगर लिखा होगा तो बाद में भी उसको पढ़ सकता है। जब स्कूल में जाता है या स्कूल कर चुका है
तो क्या स्कूल में ऐसे याद नहीं मैडम, मुझे सब याद रह जाएगा, मैं नोट में नहीं लिखने वाला। लापरवाही जो है वो आत्मिक जीवन में कभी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। और परमेश्वर ने ऐसे 200 लोगों का इस्तेमाल किया। क्या परमेश्वर जो 32,000 लोग आए थे क्या सभी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे? क्या परमेश्वर नहीं चाहते थे इसलिए बाकी लोगों को किसी न किसी बहाने से भगा दिया? ऐसा नहीं था। अगर वो 32,000 के 32,000 अच्छे लोग होते, उनमें लापरवाही नहीं होती, उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती और थी तो अगर परमेश्वर से मांगा होता, परमेश्वर हमें हिम्मत दे दो, तो परमेश्वर उनको हिम्मत दे देते। लेकिन परमेश्वर उन सभी का इस्तेमाल करते। लेकिन परमेश्वर इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर लापरवाही थी, उनके अंदर जो लड़ाई वाली बात होनी चाहिए वो लड़ाई वाली बात उनमें थी नहीं और ऐसे ही वो लोग लड़ाई करने के लिए निकल गए थे। और ऐसे लोगों का हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सके। गीतों में कौन सा सुरमा था, वो भी कौन सा पराक्रम से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी देखो सिर्फ 300 के जरिए हमारे परमेश्वर ने उसको विजय दिया है। ऐसा क्या हुआ कि 300 के जरिए गिदोन जो डर के मारे जहाँ पर दाखरस निकाला जाता था वहाँ गेहूँ निकालने वाला इंसान वो 300 के साथ जीत कर आए। वो किस तरह से पूरे इसराइल का न्याय करने वाला न्यायी बन गया, किस तरह से उसने उनके ऊपर राज किया, कैसे गिदोन ने मिद्यानी को मारकर भगाया जब वो खुद भी डरपोक इंसान था। जब शाऊल राजा के बारे में पढ़ते जो इसराइल का पहले राजा बना, दिखने में तो स्मार्ट अच्छा था, हाइट बॉडी अच्छी थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसको बोला कि बेटे हमारे गधे खो गए, इसको ढूंढ कर लेकर आ, और तब साउथ 4 देश पार कर कर निकल गया था। क्या गधे को ढूंढने के लिए कोई 4 देश पार कर कर जाता है? लेकिन एक देश क्रॉस करके दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा क्रॉस कर कर निकल गया। मतलब उसमें गधे ढूंढने की भी अक्ल जो होनी चाहिए इतनी भी अक्ल नहीं थी। कहाँ पर गधे को ढूंढना है, किस कितने एरिया में ढूंढना चाहिए, कब तक ढूंढना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं मालूम। और वो तो चलते ही गए और 4 देश क्रॉस कर कर वो तो बाहर निकल गया। फिर भी परमेश्वर ने शाऊल को राजा बना दिया, परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया। और परमेश्वर उसका अभिषेक करने के बाद जब लोगों को पता चला कि शाऊल को राजा बनाया गया, तब पहला शमूएल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय। उसको 22वां पद आते थे वही यहोवा ने वाली पूछू कि ते मानस हजी अहीं आवे छे कि नहीं, अरे यहोवा उत्तर आप्यो कि जुओ ये सामान ना संतायलो छे। भाई वर में लिखा है शाऊल जो थे वो तो छुप गए थे, अभिषेक के बाद भी अभी भी डर था उनको, और तो छुप गए, डर था उनको, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं कैसे इसराइल को बचा सकता हूँ, उनमें डर था। लेकिन अगर आगे पढ़ो तो वही शाऊल ने एक लड़ाई लड़ी और शाऊल जीत कर आया। शाऊल ने अच्छे से लड़ाई लड़ी और जीत कर आया। और उसके 18वां अध्याय में तो लिखा है पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 7वां पद यहाँ पर लिखा है कि साउल ने 1,000 को मारा। कितनी बड़ी बात, जो एक बार छुप गया था परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी, परमेश्वर उसको सामर्थ दिया और साउल जो है वो साउल 1,000 को एक साथ मारने वाला बन गया। एक साथ में साउल 1,000 को मार सकता है, कहाँ से उसमें इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ साउल में कहाँ से आए? साउल अब लड़ाई जीत कैसे सकता है, जो डर के मारे छुप गया था वो अभी अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो 1,000 लोगों को मार सकता है? और उसके बाद ऐसा हुआ कि गोलियत नाम का एक योद्धा जो फिलिस्तीनियों में था वो सामने आ गया लड़ने के लिए। और तब वही शाऊल जो है वो साउल लड़ रहा है। और वहाँ पर लिखा उसका 17वां अध्याय उसका 11वां पद यहाँ पर स्पष्ट लिखा है शाऊल खुद डर गया।
अभी बोलिया चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो लेकिन शाऊल एक साथ में 1000 को मार सकता है तो क्या गोलियात को नहीं मार सकता हो? जब इतना बड़ा योद्धा हो चुका है 1000 को मार सकता है तो फिर गोलियात कौन सी बड़ी चीज है? वो आसानी से उसको मार सकता है। मुझे नहीं मालूम कि गोलियात में कितनी शक्ति थी लेकिन दाऊद में जो शक्ति थी 1000 को मारने की, मुझे नहीं लगता गोलियात में इतनी शक्ति हो। लेकिन वही शाऊल अब एक योद्धा से गोलियात से कर रहा है जो 1000 को देखकर बीच में चला जाता है, 1000 को मारकर जिंदा वापस लौट कर आता है। वही इंसान अब इतना डरा हुआ है कि गोलियात के साथ भी युद्ध नहीं कर सकता। कैसे कैसे वो डर को खोने के बावजूद उसमें इतनी ताकत आ गई कि 1000 को मार सकता है? और वापस ऐसा क्या हो गया उसके जीवन में कि अभी एक गोलियात को भी नहीं मार सकता? जब इस्राएल प्रजा, पहले ही हमने सुना कि वो लोग युद्ध तो किस तरह से लड़ना चाहिए उनको आता ही नहीं था। वो लोग तो 400 साल की गुलामी कर कर निकले हुए थे और रास्ते में जब आमोन का राजा था बालक, और जब बालक को पता चला तो वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 4वां पद, गिनती 22। अने मोआबे मिद्यानना वडेलों ने कही જેમ બળદ ખેતરના ઘાસને ચાટી લે છે તેમ આ સમુદ્ર તો આપણી આસપાસના સર્વને ચાટી લે છે અને તે સમય સિપ્પોરનો દીકરો બાલક મોઆબનો રાજા હતો। હા મોઆબનો કા નહીં લેકિન મોઆબ કા રાજા હતા। ઓર દેખો ઇઝરાયલ લોકો કે બારે મે બાત કેસે કરતે જીસ તરહ સે બોલતે બેલ ઘાસ કો પૂરી તરહ સે સાફ કર દેતા હે બોલે ઇઝરાયલ કા ઇતની ભયાનક સી હે અભી વો કોન સા યુદ્ધ કરના જાનતે થે। लेकिन फिर भी देखो इसराइल के लोग इतने बलवान कैसे हो गए अचानक से, जो मिस्र देश को कुछ भी नहीं कर पाते थे अभी वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे कि इसराइल प्रजा मतलब बहुत भयानक सी प्रजा, वो तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से निगल जाते, वो तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से वो लोग तो ख़त्म कर देते। और इसराइल प्रजा और भी आगे बढ़ती है और जो रहाब नाम की एक स्त्री थी जो कनान में थी और वो एक बार बात करती है और हम पढ़ते जोशुआ के पुस्तक में उसका 2वां अध्याय और उसका 9:10-11 पद। अरे तेने ते मानस ने कह्यो यहोवाए आदेश तुमने आप्यो छे ये तुम्हारो धाक हमने लागे छे कि तुम्हारे आगे देश ना सरारे अस्त्र ने हाजा गगी गए गगड़ी गया छे ये हूं जानू छु કેમ કે તમે મિસ્ર માંથી નીકળ્યા ત્યારે યહોવાએ તમારી આગળ શુભ સમુદ્રનું પાણી કેવી રીતે સૂકવી નાખ્યું અને અમોરીયના બે રાજા સિહોન તથા ઓગ જો યર્દન પાર રહેતા હતા જેઓનો તમે સંપૂર્ણ નાશ કર્યો તેઓને તમે શિવ આલે કરી તે અમે સાંભળ્યું છે અને એ સાંભળતા જ અમારા ગાત્રે શિથિલ થઈ ગયા અને તમારી રીતે કોઈમાં કંઈ હિંમત રહી નહીં કેમ કે યહોવા તમારો દેવ તેજ ઉપર આકાશમાં ને પૃથ્વી પર ને નીચે પૃથ્વી પર દેવ છે। કેટલી બડી વાત રહાબની ક્યાં પૂછતી बोले हम सब का बहुत डर लग रहा है अभी तक इनके साथ युद्ध भी नहीं हुआ, सिर्फ इन लोगों ने सुना है कि इसराइल की प्रजा कितनी सामर्थवान प्रजा है जबकि वो लोग युद्ध करना जानते ही नहीं थे, वो लोग सीख कर नहीं निकले थे, उनको कुछ भी नहीं आता था। वो अचानक ऐसे किस तरह से लोगों को मार सकते हैं कि चारों ओर लोग इसराइल से डर रहे और यहाँ तक कि ये रहाब भी बोल रहे हैं। और ऐसा हुआ कि यहोशू सबको लेकर चले गए और रास्ते में यरदन नदी आ गई और परमेश्वर के कहने से यरदन नदी के दो हिस्से भी हो गए और सब लोग उस पार चले गए। यरीहो का कोट भी आ गया, उसको भी तोड़ दिया इन लोगों ने और इसराइल की प्रजा ऐसे ही कुछ करते हुए वो आगे बढ़ रही है। और तभी अचानक से ऐसा हुआ, हम पढ़ते हैं यह शुरू का 7वां अध्याय उसका 3-4-5 पद। देखो कैसी बात हुई, इसराइल की प्रजा से सभी लोग डर रहे, सभी लोग बात कर रहे हैं बहुत भयानक सी प्रजा, जिस तरह से बेल घास को खा जाती है उसी तरह से ये लोग सभी अपने दुश्मन को निगल जाते, खत्म कर देते।
और ये प्रजा ऐसी कैसी है, सभी लोगों को डर लग रहा है, राह भी बोल रही है हमें डर लग रहा है, इसलिए देखो हमने चारों से दरवाजे बंद कर दिए, सभी लोगों को डर लग रहा है। और अचानक से ऐसी बात हो गई कि इसराइल लोग खुद बोल रहे, बोले आई नाम का शहर बहुत छोटा है, सभी को लड़ने के लिए नहीं जाना है, सिर्फ 2 या 3 हज़ार लोग जाए, मैं 2 हज़ार आएंगे तो अभी हम लोग जीत कर आएंगे, 3 हज़ार आएंगे तो अभी जीत कर आएंगे। यहोशू ने 2 की जगह पर 3 हज़ार भेजा और 3 हज़ार लोग जाकर 3 हज़ार लोग गए, और ऐसा हुआ इसराइल मार खाकर भागा, उनमें से उस वक्त 36 लोग मर गए। चाहे सामने कितने भी हजार हो चाहे लाख हो, इसराइल का एक भी इंसान मरता नहीं था और सामने एक भी बचता नहीं था। और यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या हो गया, जबकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि छोटा शहर, सभी लोगों को लड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 हज़ार लोग जाए तो अभी 3 हज़ार गए, 2 हज़ार से भी काम चल सकता था, लेकिन 3 हज़ार गए तो अभी मार खा कर भागे, 36 तो मर ही गए वहां पर। और यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ दिए, ऐसा क्यों इसराइल के लोगों के जीवन में ऐसा क्यों कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे तो भी लोगों को मार सकते थे, लोगों को खत्म कर देते थे, चारों ओर उनकी बात चलने लगी कि इसराइल बहुत ही खतरनाक प्रजा है। और अभी वही खतरनाक लोग कुछ कम लोगों के हाथ से मार खा कर भागे, 36 लोग उनमें से मर गए, उसका कारण क्या? आसा नाम का जब राजा था तब उसके पास जो सेना थी उसमें 5,80,000 लोग थे, पहले इतिहास के 14 अध्याय में ये सारी बात लिखी हुई है। और उसके सामने कुछ ही लोग आए लड़ने के लिए, 10 लाख लोग लेकर आए, और आसा राजा ने सभी को मार दिया, एक भी नहीं बचा 10 लाख में से, और 5,80,000 में से एक भी नहीं मरा। लेकिन कुछ समय के बाद उनके ऊपर एक दूसरा राजा आ गया, अब 10 लाख लोग नहीं थे, तो वही आसा राजा मार खा रहा है, वो हार रहा है, इसका कारण क्या? एक इज़राइल एक बार में 10 लाख लोगों को खत्म कर सकते हैं, उनमें से एक भी नहीं मरता, दूसरी बार इतनी बड़ी प्रजा नहीं है, कम लोग आए हैं और फिर भी इज़राइल के लोग मार खा जाए, उनमें से कुछ लोग मर जाए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और जब मूसा मर गए और यहोशू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई, तब परमेश्वर ने यहोशू के साथ बात की थी, और हम पढ़ते हैं यहोशू का 1 अध्याय और उसका 8वां पद। ए नियम सदा तेरा मुमति जाए नहीं, और दिवस ही रात्रि तथा रात्रि तेरू वर्णन कर, के तेवा जे बधु रखेलू छे ते तू काटी दी पड़े, कारण के त्यारे जे तारा मार वापस थसे और तारे सूत भगे वंशे। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाता, तो व्यवस्था तेरे मुंह से जाए नहीं, रात दिन उसमें बना रहे, अगर तू उसकी आज्ञाकारी करेगा तो ही सफल होगा, आज्ञाकारी करेगा तो ही सफल होगा, वरना नहीं। तो मूसा के साथ 40 साल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, मैंने तेरा अभिषेक किया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर यहोशू तू भी आज्ञाकारी नहीं करेगा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। जिस इज़राइल से लोग डर रहे, जिसके कारण लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे, अपने शहर के दरवाजे बंद कर रहे, जो अंदर कांप रहे इसराइल के नाम से, और इसराइल के लोग बोलते हैं आई नाम का शहर बहुत छोटा है, हमें सभी को जाने की जरूरत नहीं, 2,000 या 3,000 जाते हैं, यहोशू फिर भी 3,000 को भेजता है और फिर भी उनमें से 36 लोग मर जाते हैं, क्या कारण? और वहां पर लिखा है यहोशू का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 1ही पद। जब जब इज़राइल के लोग आज्ञाकारी करते थे ना तब तब जीतते थे, उनको लड़ना आता था इसके लिए नहीं, परमेश्वर उनके साथ थे इसलिए नहीं, लेकिन वो आज्ञाकारी करते थे तो परमेश्वर उनके साथ रहकर लड़ते थे। आशा जब आज्ञाकारी करता है तब परमेश्वर उसके साथ रहकर लड़ते, जब लोग आज्ञाकारी में थे तो परमेश्वर उनके साथ रहकर उनको विजय देते ही जा रहे, लेकिन जैसे उनके घर के अंदर श्रापित चीजें आई, इसराइल ने मार खाना शुरू कर दिया।
जैसे किसी के जीवन से आज्ञाकारी चली गई वैसे ही उनके जीवन में श्राप आने शुरू हो गए। और व्यवस्था विवरण में तो लिखा है व्यवस्था पुनर्नियम उसका 28वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। અને જો યહોવા તારા દેવની વાણી કરતે સામેને તને જે આજ્ઞા હું આજે તને આપું છું કે સરો પાડીને તું તેમને અમલમાં આણશે તો એમ થશે કે યહોવા તારો દેવ પૃથ્વીની સરો દેશ જાતો કરતા અને શ્રેષ્ઠ દેશ જાતે કરશે અને જો તું યહોવા તારા દેવની વાણી સાંભળશે તો આ સર્વાશીર્વાદ તારા પર આવશે ને તને મળશે। પરમેશ્વર કહો છો સ્પષ્ટ કહેતા કે અગર તું પરમેશ્વર કે આજ્ઞાકારી કરેગા તો એ સારી આશીષો તુઝે મળેગી। આજ્ઞાકારી કરેગા तो सार के आशीष मिलेगी। और उसके आठवें पद में क्या लिखा है बाइबल में तू जिसमें तेरा हाथ डालता है परमेश्वर सब में तुझे आशीष देगा। लेकिन कब जब तू आज्ञाकारी करेगा तब। एक बार दो भाइयों ने मिलकर कुछ कारोबार शुरू कर दिया और मुझे वहाँ पर बुला लिया इसका उद्घाटन करने के लिए अच्छे सिर पर बांध दिया और मुझे बोला इसका उद्घाटन करो। लेकिन मैं उनको जानता था उनका चाल चलन सही नहीं था उनसे पक्का मालूम था इनका धंधा कोई चलने वाला है नहीं क्योंकि परमेश्वर को बीच में लेकर आते चाल चलन सुधारते नहीं। और परमेश्वर के दास को बुला लिया कि तू उद्घाटन कर तो क्या परमेश्वर के दास उद्घाटन करेगा तो क्या कारोबार चल पड़ेगा। मैंने उनको यही बात सिखाई ये व्यवसाय की 28वां अध्याय 1 से 14 पद उनको सिखाई अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे तो सफल होगे। कल उठकर ये मत बोला कि मैं उद्घाटन करने के लिए आया था और धंधा नहीं चला। उनको समझ में आ जाना चाहिए था उसको इतना स्पष्ट क्यों बोला उद्घाटन कर भी दिया ऑफिस बंद भी हो गई कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि आज्ञाकारी ही सब कुछ है। अगर इंसान आज्ञाकारी नहीं करता तो परमेश्वर भी उसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा ऐसे नहीं दी आज्ञाकारी करना वो ही सब कुछ है। और प्रेरित के काम में भी लिखा है उसका 5वां अध्याय उसका 33वां पद परमेश्वर ने अपनी आज्ञा की पालना करने वाले को जो पवित्र आत्मा दिया वो भी गवाह है। मतलब पवित्र आत्मा भी किसको मिलता है जो आज्ञाकारी करता है बस उसी को परमेश्वर अपना आत्मा देते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं करता उसको तो परमेश्वर अपना आत्मा को नहीं देता। इसराइल को कोई लड़ना नहीं आता था लेकिन जब तक वो आज्ञाकारी में रहे वो लोग जीतते गए गिदोन को भी कुछ भी नहीं आता था वो भी तो डरा हुआ था वो भी तो डरपोक था डर कर काम करता था लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की तो वो फतेहमंद हुआ। वो लड़ाई जीत कर रहा है सिर्फ 300 के जरिए उसने मिद्यान वालों को मारकर भगाया और इसराइल में उसने राज किया। वो गिदोन ने आगे चलकर लोगों के पास सोना मांगा और सोने का एक एपोद बनाकर उसने वहाँ पर रास्ते में लगा दिया और लोग उसकी पूजा करने लगे। और तब गिदोन जो है वो गिदोन की सफलता भी उसी वक्त से उससे पास से चली गई। आसा राजा जो था जब तक परमेश्वर के आज्ञाकारी में वो चलता रहा तब तक तो सामने 10 लाख लोग आते थे तो भी जीत कर आता था लेकिन जब आज्ञाकारी से पीछे हट गया तब थोड़े लोग थे तो भी आसा राजा जो था वो मार खाने लग गया। साहुल चाहे उसके सामने कितने लोग थे लेकिन 2 साल तक वो आज्ञाकारी में रहा तो जीतता रहा। जैसे उसने आज्ञा तोड़ना शुरू किया शाऊल जो है वो फेल हो गया। पौलुस बोलता है दुष्टात्मा को कि प्रभु यीशु के नाम से तुम यहाँ से निकल और वो ही काम एक तांत्रिक लोग भी करते वो भी बोलते हैं कि पौलुस जिस यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं उसी के नाम से हम तुझसे कहते हैं कि तू यहाँ से निकल। तब तांत्रिक के कहने से दुष्टात्मा नहीं निकलते कितनी बड़ी बात वो भी तो वही यीशु की बात कर रहे हैं जो पौलुस प्रकट कर रहे हैं और पौलुस वही इसको प्रकट कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर। लेकिन पौलुस कहते हैं तो काम हो जाता है लेकिन तांत्रिक लोग कहते हैं तब जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। जब इंसान आज्ञाकारी करता है तो ऐसा मत समझो कि उसकी होशियारी से काम होता है तब परमेश्वर उसके जीवन में सफलता लेकर आते हैं। जब इंसान आज्ञाकारी छोड़ देता है तब वो भी इंसान जो है वो निष्फल हो जाता है। आपकी सफलता का आधार
आज्ञाकारी के अंदर है। अगर आज्ञाकारी नहीं तो कभी भी इंसान जिस तरह से सफल होना चाहिए वो सफल नहीं हो सकता है। और न्याय की किताब में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका दूसरा अध्याय, न्याय की किताब का दूसरा अध्याय उसका 18 वर्ष में इसको જ્યારે યહોવા તેઓને સારો ન્યાયાધીશો ઉભા કરતો હતો ત્યારે યહોવા તે ન્યાયાધીશની સાથે રહેતો હતો ને તે ન્યાયાધીશના જીવતા સુધી તેઓનો શત્રુઓના હાથમાંથી તેઓને તે બચાવતો હતો કેમ કે જેઓ તેમના પર જુલમ કરતા હતા ને તેમને દુઃખ દેતા હતા તેઓના જુલમના લીધે તેઓની શાસન આપતા તેને લીધે યહોવાને દયા આવતી પણ ન્યાયાધીશના મરણ પછી એમ થયું કે તેઓ પાછા ફરી જતા તથા અન્ય દેવોની ઉપાસના કરે તથા તેઓને પગે લાગીને યોદાના બાપ દાદાઓ કરતાં વધારે ભ્રષ્ટ થઈ જતા તેઓ પોતાના કામથી તથા દુરાગ્રહથી પાછા હટતા નહીં। બાઇબલ મેં લખ્યું કે જબ જબ યે લોગ પરમેશ્વર મેં ચલતે થે તો આઝાદ રહેતે થે, પરમેશ્વર કો છોડ દેતે થે તબ વો ગુલામ બન જાતે થે। અચાનક કમજોર નહીં હો જાતે થે કે લોગો કો ગુલામ બના કર લેકર જાતે થે, લેકિન જબ પરમેશ્વર સાથ નહીં, પરમેશ્વર કી આજ્ઞાકારી નહીં તો લોગો ઉનકે ઉપર ચડાઈ કર કરા જાતે થે, ઉનકો ગુલામ બના સકતે થે। लेकिन जब लोग आज्ञाकारी करते थे तब परमेश्वर के साथ रहकर लड़ते थे और मुख को सफलता देते थे। आज हमने वचन पढ़ा था न्याय की किताब से उसका 15 अध्याय और 9वें पद से लेकर 20 पद तक हमने पढ़ा। वह समसुन की बात लिखी है। समसुन के माता पिता को औलाद ही नहीं थी, एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन एक बार उसकी पत्नी थी उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे कहा कि तेरे पेट के जरिए एक इंसान पैदा होगा, वो जन्म से ही नाजरी कहलाएगा और उसके बाल के ऊपर कभी भी उस्त्रा मत लगाना, वो दाग के बनाए हुए कोई आइटम नहीं खाएगा, वो नाजरी कहलाएगा और वो इज़राइल लोगों को छुड़ाने वाला बनेगा। और उससे जाकर अपने पति को सारी बात बताई कैसे से उसे भीषण हो, बोले कोई बात नहीं दूसरी बार भीषण हो तो उसको रोक कर रखना सब उसको, और बोलना कि मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आती हूँ ताकि हमें पता चले कि जब इसके दिन अच्छे शुरू हो जाए तो हमें कैसा व्यवहार कर रहा है और जब बच्चा पैदा हो जाए तब बच्चे को किस तरह से वो बड़ा कर रहा है उसकी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। और दूसरी बार भी दर्शन हुआ, उसके पति ने भी उसके साथ बात की कि हमें किस तरह से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना है, हमें कैसा खिलाना है, उसको क्या खाना है, हमें खुद भी कैसा जीवन जीना है। और समसुन को इन्होंने परमेश्वर के भय में इन लोगों ने उसके माता पिता ने बड़ा किया। और समसुन के अंदर बहुत सारी ताकत थी और ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि समसुन के बालों के अंदर ताकत थी, समसुन के बालों के अंदर कुछ नहीं था। जब आदम और हवा ने फल खाया था उस फल में भी कुछ नहीं था, वो फल में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे पता चले कि हमने कपड़े नहीं पहने, वो फल में ऐसी कुछ बात नहीं थी जिससे उनको कुछ बने बुने का ज्ञान आ जाए, वो थी परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण उनके जीवन में श्राप आ गया। फल में कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से क्या गया इसको मत खाना, वो चाहे फल कोई भी हो सकता था लेकिन फल खाना वो परमेश्वर के विरोध की बात थी और इसे श्रापित होना ही था उनको, तो उस फल में भी कुछ नहीं था। यहाँ पर ये जो समसुन है उसके बाल में कुछ नहीं है, उसके बाल के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से आ गया है, ये नाजरी कहलाएगा और ये अपने बाल के ऊपर कभी भी उस्त्रा जो है वो नहीं लगाएगा। लेकिन समसुन जो है वो तो व्यभिचार में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ने के कारण एक बार उसकी जो प्रेमिका थी उसने उसको बहकाया, बोले तेरा बल किस में हो तो मुझे बता दे, बोले तेरा बल किस में है, और उसने 3 बार उसको झूठ बता दिया, बोले मुझे इस रस्सी से बांध दिया जाए, ऐसे मुझे बांध दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके अंदर ताकत थी वो सब कुछ तोड़ देता था। लेकिन जब उसने पूछा तभी इसने कायर होकर बोल दिया, बोले देख मेरी ताकत जो है वो मेरे बालों के अंदर है, अगर तू मेरा बाल काट दे तो फिर मैं बिल्कुल कमजोर हो जाऊंगा। अब वो ध्यान समझता है जिसके बालों में इतनी ताकत है जो 1000 को मार सकता है, ऐसे बाल कौन सी किसी से कभी नहीं कर सकते, बस बालों में कुछ नहीं था
अगर बालों के अंदर ताकत होती तो दुनिया की कोई कैंची उसको काट नहीं सकती थी उस बाल को। बालों के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी और उससे यही बात बता दी कि परमेश्वर ने मुझे मना किया कि बाल मत कटवा, तो अगर काट देगी तो मैं परमेश्वर के खिलाफ हो जाऊंगा, परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा तो मेरी सारी ताकत चली जाएगी। और उसने उसको अच्छे से सुला दिया और सुलाने के बाद उसके बाल काट दिए, उसके बाल काट दिए और वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। उसने तो उठकर फिर एक बार ताकत लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे पता चला परमेश्वर मेरे साथ है। उसने ये नहीं देखा कि मेरे बाल कट चुके, उसने ये देखा कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मैंने तोड़ दी। उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके पास डांस करवाया गया और आखिरी बार उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर एक बार फिर मुझे ताकत दे दो, मैं घर ही दिला देना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे बांध कर रखा है उसी के ऊपर एक घर है। बोले एक बार आखिरी बार मुझे ताकत दे दो तो मैं इस घर को दिला। अब बाल तो कट चुके थे तो फिर ताकत वापस आई कहाँ से? वो तो उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे ताकत दे दी। वो ध्यान से मांगा, जो भी है हमारी आज्ञा का है। लोग चाहे बहाना कुछ भी बताए, मैं इधर से जा रहा था, सामने वाले की ब्रेक फेल हो गई और उसने मुझे टक्कर मार दी और मेरा पैर टूट गया। ये उसकी गलती नहीं है, आज्ञाकारी में टूट नहीं थी इसलिए पैर टूट गया, वरना पैर नहीं टूटता था। वो ब्रेक फेल तुम्हारे सामने नहीं हो सकती थी, अगर हो भी जाती तो दूसरी कहीं चली जाती, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला था। जो भी होता है हमारे साथ वो हमारे आज्ञाकारी के लिए या तो आज्ञा तोड़ने की वजह से होता है, आज्ञाकारी नहीं सब कुछ। इसलिए तो एक बार फिर से पढ़ते हैं पहला परंतु उसका सातवां अध्याय उसका उन्नीसवां पद। सुन्नत तो कहीं ना थी, नबे सुन्नत तो कहीं ना थी, नबे में आज्ञा पर तेज बदलू से भाई बदल कि पहले सब की आज्ञाकारी वही सब कुछ। जो वचन हमने पढ़ा था न्यायों की किताब उसका 15 अध्याय पर, वहाँ पर लोग आते हैं समसुन के पास और समसुन उसको बोलते हैं और हम पढ़ते उसका बारह पद पढ़ दो भाई। समसुन बोल रहे कि देखो मुझे बांध लो, बांध कर निकल जाओ, तुम लोग तो मुझे नहीं मार दोगे। मैं समसुन को भी डर लग रहा है, अगर समसुन के अंदर सही में ताकत है तो बोल नहीं सकता हाँ चलो बांधो मैं आपको भी देख लूंगा। लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा क्यों किया था? परिस्थितियों को मारने के लिए। अगर वो परमेश्वर के लोगों को मारने लगे तो क्या उसकी ताकत काम आ सकती है? तब परमेश्वर उसके साथ नहीं रह सकते, तब उसके पास कोई बल नहीं होता। अगर वो परमेश्वर के लोगों को मारे तो क्या बोलता है? आप लोग तो मुझसे नहीं मारोगे, आप लोग तो मुझसे खत्म नहीं करोगे, क्योंकि समसुन को मारोगे मेरी ताकत उनके ऊपर नहीं चल सकती, परमेश्वर के लोगों के ऊपर नहीं चल सकती। हाँ पैलेस्टाइन वालों को मारने के लिए परमेश्वर ने मुझसे खड़ा किया तो मैं वहाँ जाकर मार सकता हूँ। और फिर क्या हुआ, समसुन को बांध कर लेकर गए। जब फिलिस्ती लोगों ने देखा तो बहुत खुश हो गए, हमारा दुश्मन आया है वो भी बंधा हुआ है, इन लोगों ने बंधा हुआ उनको हाथों में दे दिया और सभी लोग आनंद करने लगे। और तभी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा पूरे सामर्थ्य समसुन के ऊपर आए और समसुन को जिससे बांधा गया था वो जो सारे बंधन जले हुए सन की तरह मतलब राख के समान हो गए। और राख में से बाहर आना कितना आसान है, उतनी आसानी से सारे बंधन उसके टूट गए। और वहीं पर उसको एक गधा मर गया था, उसका जबड़ा उसके हाथ में आ गया, उसने हाथ बढ़ाया जबड़े को उठा लिया और 1000 पुलिसों को एक ही वक्त में उसने खत्म कर दिया। एक ही बार में उसने पूरे 1000 लोगों को वो भी गधे के जबड़े से मार मार कर उनको ख़त्म कर दिया। और देखो वहाँ पर क्या लिखा है, हम पढ़ते उसका 15 पद। पोतानो हाथ संभावी ते लईने ते वडे तेणे 1000 માણસોને મારી નાખ્યા। 1000 લોકો ઉસને એક હિસાબ સે ખતમ કરી દીધા।
आप इसका 17 पद पढ़ो। हे प्रमाण कह दिया आपने, मैं करूंगी पुनरा पुनरा अंक के जरूर जरूर भाई भर में लिखा है कि उसने 1000 को खत्म कर दिया गधे के जबड़े से और उस जगह का नाम रखा रामत लेही। उसका मतलब नीचे लिखा हुआ है और रामत लेही का मतलब ये होता है जबड़े की पहाड़ी। जबड़े की पहाड़ी मतलब समसुन जो था उसने वहाँ पर नाम रख दिया कि गधे का जबड़ा मुझसे मिला और उससे मैंने मेरी ताकत से 1000 लोगों को खत्म कर दिया तो उसने नाम भी कैसा रखा जबड़े की पहाड़ी। मतलब मैंने काम किया जबड़ा मुझसे मिला मैंने मेरी ताकत से 1000 लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन तुरंत ही ऐसा हुआ आगे हम पढ़ते हैं उसका 18 देख अरे ते बहु प्रसन्न हो जाने यहोवा ने विनती करी ते आ मोटो बच्चा तारा दास ने अस्तक करे छे अने शू हूं हवे ओसादी मरी गई ने अभी देखो अचानक से उसको बहुत सारी प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई 1000 को मारने के बाद खुद कमजोर हो गया। अब उसे खुद डर लग रहा है कि पैलेस्टाइन वाला आ गए लोग वो तो मुझे खत्म कर सकते हैं और उसने प्रार्थना की परमेश्वर मुझे बचा लो मुझे बहुत प्यास लगी है कहीं ये बेसुनत लोग आ ना जाए ये खतना रहित लोग आ ना जाए और मुझे पूरी तरह से खत्म ना कर दे ये लोग मुझे मार ना दे मुझे खत्म ना कर दे और पूरी तरह से वो कमजोर हो गया। और पढ़ोता है कि उसका 1900 पद तेरे लेवी पर काड़ो छे तेमा देवे फाड़ पाड़ी ने तुम्हारी पाड़ी नहीं करू अने पीला पति ते पाछो सुनती मार लो ते साथे थयो माटे तेरे ते दवा नाम एर हक हक को पाड़ी तेया सुनी नहीं वाचे। उसी जगह पर वो जैसे बेहोश सा हो गया पूरी तरह से कमजोर हो गया। इतनी प्यास उसको लगी यहाँ तक उसका डर लगा कि कहीं फलिस्ती वाले आ गए तो मुझे खत्म कर देंगे ओ परमेश्वर मैं मारा जाऊँगा मुझे पानी दो और परमेश्वर तुरंत वहाँ चट्टान में से पानी दो। और ये जो समसुन था उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद क्या लिखा फिर से पढ़ो तो उन्नीस पद होश में आया अपने तो कितना कमजोर हो गया होगा उसको डर लगा कहीं परिस्थिति लोग आ गए तो मुझे खत्म कर देंगे और उससे प्रार्थना की परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी परमेश्वर उसको पानी दिया उसने पानी दिया और जिस जगह का नाम उसने रामत नहीं रखा था अभी अभी रखा था तुरंत उसे वापस नाम बदल दिया और अब नाम क्या रखा एन हक्कोर उसका नाम रखा। उसका मतलब क्या लिखा है पुकारने वाले का झरना पुकारने वाले की पहाड़ी। तुरंत ही नाम बदल गया उसको पता चल गया गधे का जबड़ा मिला इसलिए नहीं परमेश्वर थे नहीं इसलिए मैंने 1000 को मारा। एक बार तो उसने बोल दिया नाम भी रख दिया जबड़े की पहाड़ी क्यों मैंने काम किया मेरे हाथ में जबड़ा है मैंने 1000 को खत्म कर दिया। लेकिन तुरंत प्यास लगी बेहोशा हो गया अब उसको डर लग रहा है कि वही लोग आकर मुझे मार सकते मैं खत्म हो जाऊंगा अब मैं नहीं लड़ पाता अभी कौन से बाल कटे उसके। लेकिन फिर भी डर लग रहा है एक अंदर से थोड़ा सा उसको घमंड आ गया मैंने काम किया मैंने गधे का जबड़ा लिया और मैंने 1000 को मार दिया इस जगह का नाम तो होना चाहिए जबड़े की पहाड़ी। लेकिन तुरंत उसको पता चल गया नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता अभी मैं तो मर जाता अगर परमेश्वर ने पानी नहीं दिया होता तो। तुरंत उसने नाम बदल दिया और नाम बदल कर उसने रख दिया एन हक्कोर मतलब जिसने पुकारा उसकी पहाड़ी तो परमेश्वर ने मेरी सुनी। तुरंत उसने उस जगह का नाम बदल गया उसको पता चल गया मैं कुछ नहीं करता जब तक आज्ञाकारी में रहूँगा जब तक परमेश्वर में बना रहूँगा तब तक मैं सफलता प्राप्त करूँगा। शाऊल ऐसे ही नहीं हारने लगा शाऊल ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया लेकिन जब से उसने आज्ञा मानना छोड़ दिया उसके बाद उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई। इसराइल लोग तब हार जाते थे जब परमेश्वर की आज्ञा उन लोग नहीं मानते थे वो लोग तब निष्फल होते थे जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। जब आखान को श्रापित चीज़ें लेकर आए तब यहोशू लोग हार गए और यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ दिए परमेश्वर ऐसा कैसा हम लोग को इतने बलवान है
अपने बल से नहीं लड़ा जा सकता, अपनी शक्ति से नहीं लड़ा जा सकता। इस संसार में आत्मिक जीवन में हम हमारी शक्ति से नहीं लड़ सकते, हम हमारी पढ़ाई के जोर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मसीह में बने रहे तो अगर आप अनपढ़ हो तो भी परमेश्वर आपको ऊंचाई को पढ़ लेगा, और चाहे आप बहुत कुछ पढ़े हुए लेकिन मसीह में नहीं रहोगे तो हो सकता है आपको कोई भी सफलता ना मिले। अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना रहो। समसुन को भी पता चल गया माल भी कुछ ही नहीं, एक प्यास लगे तो मैं तो मरने जैसा हो गया। अगर परमेश्वर पानी नहीं दिया होता तो परमेश्वर ही सब कुछ है, उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। और इसलिए पौलुस नए नियम में ऐसा बोलता है कि ना तो खतरा पूछे ना तो खतरा रहित पूछे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा की पालना करना वही सब कुछ है। समसुन को भी पता चला कि मेरे अंदर ताकत है उस कारण नहीं, परमेश्वर है और मैं परमेश्वर बनाऊँ तब तक मेरा काम होता रहेगा। जब वो परमेश्वर में नहीं रहा तब उसके पास कौन सी ताकत है, तब परमेश्वर कहा उसके साथ लड़ने के लिए, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। 5,80,000 से आशा 10,00,000 लोगों को मारकर भगा सकता है और भगा का उनको पूरा खत्म कर सकता है, वही आशा थोड़े लोगों को भी नहीं मार पाता जब आज्ञाकारी में नहीं है। उस दिया राजा जब तक आज्ञाकारी है तब तक जीतता है, और जैसे ही चर्च में चला गया, मंदिर में चला गया, बलि देने के लिए चला गया, धूप लगाने के लिए चला गया, तुरंत उसके सर में कोढ़ हो गया। परमेश्वर में बने रहोगे सफलता प्राप्त करते रहोगे, परमेश्वर में नहीं रहोगे उनकी आज्ञाकारी में नहीं रहोगे निष्फलता तुरंत आकर पकड़ लेगी, क्योंकि शैतान है और शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर है वो सबसे बड़े, उनकी आज्ञाकारी करो और हमेशा आगे ही आगे पढ़ते रहो। और इसलिए ये सब था उसने नाम बदल दिया कि नहीं, जबड़े की पहाड़ी में इसका नाम होना चाहिए, पुकारने वाले की पहाड़ी ऐसा उसका नाम होना चाहिए। मैंने पुकारा और मैंने परमेश्वर सुना, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया परमेश्वर ने किया। अब हम हमारा मुख बंद करते हैं, हमारे मस्तकों को कभी स्वीकार हो चुकाते हैं, जो हमारे राजा है, जो महान परमेश्वर है, जो कभी नहीं करते। हमारे परमेश्वर महान है, उन्होंने आज्ञा सिर्फ लिखने के लिए नहीं दी, पढ़ने के लिए नहीं दी, सुनने के लिए नहीं दी, आज्ञा इसलिए दी है कि हम उसकी पालना करें। जब तक आज्ञा की पालना हम करते रहेंगे हम सफल होते रहेंगे, और आज्ञा की पालना छोड़ देंगे तो सफलता भी हमारे चलते चलती है। अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है तो आज्ञाकारी में हमेशा हमेशा के वचन समझने के लिए ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए, और उसी के ऊपर हम सभी बढ़ेंगे।